हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दो गुना होता है, यानी कि कोण POQ बराबर है 2 × कोण PAQ के। अब मान लीजिए कि हम एक बिंदु B और ले लें तो फिर यह कोण PBQ बनाएगा, और हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि कोण POQ बराबर है 2 × कोण PBQ के। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि कोण PAQ बराबर है कोण PBQ के? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कोण POQ बराबर है 2 × कोण PAQ के, और कोण POQ 2 times है कोण PBQ के, इसलिए कोण PAQ बराबर है कोण PBQ के। और ध्यान दीजिए कि यह दोनों ही कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, समय लीजिए और इस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए। समय समाप्त। चूंकि हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होता है, और यहाँ पर केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है, तो इसलिए वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री होगा। दूसरी आकृति में x बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं।